Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gitika Arya. So the most awaited video, that is our home tour, and we recently completed 1 year in this house. This is our own house and it's a 3 BHK apartment. So I thought finally I should share the home tour with you guys, because I'm getting so many messages, so many requests in the comment section that you guys need a home tour. And all the links of all the products will be mentioned in the description box below. At least I will try to mention all the product links, because it's a whole house and there are a lot of products. Still, if you don't get the products, then you can go the separate videos of the room wise. And also soon we are going to be a family of 70k subscribers, guys. How good is that? And to celebrate that, there is a giveaway. And for the giveaway, you need to watch this video till the end, because I'm going to tell everything about the giveaway and the prizes in the end of this video. And follow me on my Instagram and my Facebook page. And now without further ado, let's start the video. So this is our entry, guys. हमने एंट्री के दोनों ही साइड ग्रास मैट लगवाई है. इसे बहुत ही एक डिफरेंट लुक आ जाता है एंड इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, इट्स इन बजट. सो इट्स अ वेरी गुड वे अगर आपको थोड़ी एंट्री को एक अच्छा लुक देना है. हमने यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं दोनों साइड ही. एंड हियर इज आर नेम प्लेट. आई रियली लाइक दिस नेम प्लेट. ये मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से ली थी, उसका भी मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी. चलिए अंदर चलते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज आर एंट्री वे. इसका भी मैंने मेकओवर वीडियो डाला था. इस साइड वी हैव अ मिरर एंड ऑन दिस साइड यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा ये वाइट से कलर का, व्हाट शुड आई से, इट्स अ डेकोपीस, जहाँ पे कुछ कोटेशंस काइंड ऑफ है. बी काइंड, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल एंड ऑल. देन यहाँ पे है वेलकम टू आवर हैप्पी मेस. आई रियली लाइक दिस. देन ब्लेस दिस होम ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे ये बड़ी प्यारी एक साइकिल सी है मेटल की, जिसमें मैंने ये फ्लावर्स लगाए हुए हैं. बहुत ही एक यूरोपियन काइंड ऑफ लुक आ जाता है. और यहाँ पे हमने येलो पेंट किया है, ये मस्टर्ड कलर में है. देन वी हैव अ लाइट हेयर. यहाँ पे ऑलरेडी जगह थी लाइट की, बस हमने क्या किया है, एक लाइट को चेंज करके थोड़ी स्मार्ट लाइट लगा दी. इसके पीछे राज छुपा हुआ है, लेट मी शो यू. तो यहाँ पे हमारा ये जो इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे सारे स्विचेस वगैरह मेन पावर का होता है, वो है. तो आई वांटेड टू हाइड इट, तो मैंने इसकी मेजरमेंट्स लेके ही इस टाइप की पेंटिंग ली और इसको हम यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं टू हाइड इट. ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक राउंड मैट रखा है, बिकॉज एंट्री पे वी ऑलरेडी हैड अ मैट जिस पे आप अपना जो भी शूज़ वगैरह की डस्ट है उसको क्लीन कर सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ा एक डेकोर के लिए मैट है. देन हमने यहाँ पे एक पार्टीशन लगवाया है. ये पार्टीशन मेनली शो के लिए है और ये काफ़ी इजी है. ये मैंने खुद ही बनवाया है, फ्रेम बनवा के, हुक्स वगैरह लगवा के, और उसमें ये मैक्रेमे के जो थ्रेड्स हैं वो हमने लगवाए हैं. ऑलराइट, चलिए अब हम फर्स्ट जो गेट है उसमें घुसते हैं. सो वी हैव अ गेस्ट रूम हेयर. तो मैंने जो भी कमरे हैं उनका एक थीम रखा है, अकॉर्डिंगली डेकोर किया है, और ये बहुत अच्छा आइडिया मुझे लगता है. बहुत इजी हो जाता है इसे डेकोर करना. तो यहाँ का जो थीम है, इट्स येलो, वाइट एंड ब्लैक, एज यू कैन सी. आई वॉन्टेड अ सिटिंग एरिया, आई वॉन्टेड एन अलमीरा एंड अ डबल बेड. तो हमने बेड को ऐसे प्लेस किया कि एक साइड चेयर आ जाए और इस साइड हमारी अलमीरा आ जाए. और बिकॉज यहाँ पे गेट है, यहाँ पे कुछ आ नहीं सकता था, तो इस एरिया को हमें ओपन छोड़ना था. ये गेट बाहर की तरफ है, ताकि आप इसको ऑफिस वगैरह भी बनवा सको. ये अलमीरा हमारे पास पहले से थी, तो हमने यहाँ कोई वुड वर्क नहीं करवाया है. और अच्छी बात यह है कि वी हैव अ मिरर हेयर इन दिस अलमीरा. देन यहाँ पे हमारी साइड टेबल है, जिस पे हमने बहुत ही प्यारा लिली का प्लांट रखा हुआ है. एंड दिस इज़ आवर बेड, जिस पे बहुत ही प्यारी एक कुशंस है. ये मैक्रेमे का कुशन है, दिस इज़ माय फेवरेट. दिस इज़ कम्फर्टर, ये डबल बेड का कम्फर्टर है. देन यहाँ हमारे जो तीन फ्रेम्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ही लिए थे. मैंने कम्प्लीट लुक भी दे दिया है यहाँ पे, और बहुत ओवर द टॉप ऐसे भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ लगा दिया है. देन देयर वी हैव अ चेयर. आई लव दैट चेयर, इट्स सो कम्फर्टेबल. एंड हमारा एम था कि इस रूम को स्पेशली हम अपने पेरेंट्स के लिए कम्फर्टेबल बनाएं. सो मैं चाहती थी कि पेरेंट्स के लिए चेयर होनी चाहिए, राइट, जिसपे वो बैठ के कोई रीडिंग करना चाहें या इवन मेडिटेशन करना चाहें. सो वी हैव दिस चेयर, जहाँ इसके सामने एक स्टूल है. ये हमने यहाँ पे एक लोकल शॉप से ही लिया है, दिस इज नॉट फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर. उसके जस्ट ऊपर एक बहुत ही स्मार्ट सी हमारी लाइट है, ब्लैक कलर की, काफ़ी अच्छी लगती है ये लाइट भी. देन यहाँ पे हमारा वॉलपेपर है ब्लैक एंड वाइट. इस वॉलपेपर से बड़ा ही अच्छा लुक आ गया है यहाँ पे. एंड वी हैव थ्री शेल्फ्स ओवर हियर, वी हैव केप्ट आवर बुक्स. देन यहाँ पे हमारा एक प्लांट है बहुत ही प्यारी जूट बास्केट में. देन यहाँ पे वी हैव अ बालकनी, और ये पूरा वॉशिंग एरिया है. यहाँ पे हमारी एसी की ये यूनिट भी बाहर है,
और इसको हमने थोड़ा कवर करवाया हुआ है बिकॉज डिजिटल है वॉशिंग मशीन, उस पर ज़्यादा डस्ट वगैरह ना जाए। और यहाँ से हमारी पाइप वगैरह की हमने सारी फिटिंग करवाई हुई है, यहाँ पर ड्रेनेज का है, तो सारा ही वॉशिंग का यहाँ बहुत ईजिली हो जाता है। नाउ मूविंग टू दिस साइड, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बेड हम लोगों ने ये एरिया ऐसा रखा कि कल को हम टीवी लगाना भी चाहें गेस्ट्स के लिए तो यहाँ लगा दें। फिलहाल यहाँ पे हमने पीवीसी की ये जो पैनल्स हैं ये फिट कराए हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी डैम्पनेस थी, तो डैम्पनेस को कवर कराने के लिए हमने पीवीसी के पैनल्स फिट कराए और ये काफ़ी प्रिटी लुक भी दे रहे हैं। देन वी हैव अ वेरी नाइस लाइट हियर एंड उसके नीचे हमारे ये डेकोर पीसेज हैं। इस ये सबसे पहले हमारा लाइक अ गैलरी वॉल काइंड ऑफ जिसमें बहुत सारी फोटोज़ के लिए स्पेस है, ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों साइड फैमिली की फोटोग्राफ्स लगाई और बीच में फैमिली रिलेटेड कोट्स लगाए, तो उसे एक स्मार्ट लुक आ गया। देन ये दो डेकोर पीसेज अगेन ब्लैक येलो थीम में, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। देन मूविंग टू दिस साइड, जस्ट ऑन द साइड ऑफ द अलमीरा वी हैव दिस की होल्डर, आई रियली लाइक इट, और ये भी हमारे थीम के अकॉर्डिंगली है येलो अगेन। देन मूविंग टू दिस साइड, यहाँ पे डोर है वॉशरूम के लिए, इट्स क्लोज फ्रॉम दिस साइड, एक्चुअली इट हैज़ टू डोर्स, तो वन इज़ फ्रॉम द ड्रॉइंग रूम एंड अनदर इज़ फ्रॉम दिस बेडरूम, तो इट्स क्लोज फ्रॉम दिस साइड, मैं उधर से दिखाती हूँ आपको, आइए। सो दिस इज़ द डोर ऑफ दैट वॉशरूम, लेट मी शो यू, ओके। So this is the washroom, nothing much to show you guys. अभी मैंने इसमें ऐसा कुछ decor वेकोर नहीं किया, it's just clean, that's it. Now this is a kind of mini jungle in the house. This is just because of my husband, because my husband love plants, I also love plants, but he loves to the extent कि हर जगह यहाँ plants हो सकते थे. We bought this plant stand kind of and placed all of our plants over here. And there is a nice Buddha, it's a diffuser actually, because we have a Buddha pot also, so I thought to match it with this decor piece. And then मैंने थोड़ी सी यहाँ पे fairy lights लगा दी थोड़ा एक look अच्छा देने के लिए. Moving to this side, this is our living room. So the theme of this room is blue, yellow and white and accordingly हम लोगों ने सारा जो भी होम फर्निशिंग का स्टफ है, डेकोर का स्टफ है वो लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइट इंस्टॉल कराई। हम लोगों का अगर आप देखो फॉल सीलिंग नहीं है हमारे फ्लैट में और हम लोगों ने फॉल सीलिंग नहीं कराई है, बट हर जगह वी ट्राई टू इंस्टॉल दीज लाइट्स। सो दिस प्रिटी लाइट इज फ्रॉम फैब इंडिया। Just below that we have this bookshelf with some books. It's very sleek, not occupying much space and still giving a very smart look to this area. Then uske saath hi just we have put again this plant in this golden basket and we got this from Banjara market actually. Then we have these 5-sitter sofa, 3-sitter and 1+1. Over that I have put these cushions, these are in blue and yellow shade. I think yellow blue colors look great together. And just above this couch we have a painting again in the same shade, so this is an abstract painting. I think abstract paintings look so good in modern decor. Then we have a circular wooden table over here, this is from Amazon, I really like this table. Over that we have this bamboo plants. Then we have these coasters also. And we have a carpet here, as you can see it's a mix of jute and cotton and that's why it's not very rough, it's very durable also. Kafi acha bada size mein hai ye carpet. On this side again we have one more plant and I'm using this beautiful jute basket for the planter, to cover the planter. Over here we have these two bird cages, in this we have the fairy lights. If you have seen the Wake Up Sid movie to usme Kongana Sen ka wo room decorate karte hain, so in the same theme I have decorated this room, the yellow wall, the birds and the cages and the swing also, the whole concept is taken from the Wake Up Sid movie. Here we have this mattress, it is a very nice way to increase the sitting area in the living room and make it cozy at the same time, because jab bhi hum logo ke ghar guests aate hain most of the time we like lie down here, we play cards, even in the mornings also I love to sit here and see the view from here. Here we have this pretty light also, ye golden shade mein hai and isme bhi hum logo ne wahi Edison bulbs lagaye hain jinme thodi warm light hai. Ab main aapko tube light off karke bhi thoda ek look dikhati hu ki kaisa lagta hai. कैसा लगा गाइज आपको ये जो वार्म लाइट वाला लुक है,
जब भी हम लोगों के घर गेस्ट्स आते हैं तो हम लोग ट्यूबलाइट्स को ऑन नहीं करते, बस इन लैम्प्स को ऑन करते हैं। इससे बहुत ही एक कोजी सा फील आता है। सो हियर वी हैव आवर डाइनिंग एरिया। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा कैफे काइंड का फील देने की कोशिश की है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने बहुत ही अच्छी सी हैंगिंग लाइट लगाई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे लगा कि स्पेस लिमिटेड है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करना चाहते थे, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम लोग 4 सीटर डाइनिंग टेबल लेंगे। सो वी हैव 2 चेयर्स एंड 1 बेंच हियर। दिस इज़ आर डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बोहेमियन सा रनर लगाया हुआ है। देन उसके ऊपर हमारा ये एक ब्रास के प्लांटर में हमारा बैम्बू का प्लांट है। देन बिकॉज हमें ये लाइट लगानी थी तो जो हमने फ़ैन है वो हमने जो फ़ैन है वॉल माउंटेड फ़ैन लिया इंस्टेड ऑफ द रूफ वन। देन ऑन दिस वॉल ये डाइनिंग एरिया के लिए डेकोर पीस का जो एक गैलरी वॉल है मेरा पूरा ही सेट इकट्ठा लिया है और इसे बहुत स्मार्ट लुक आता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जो वुडन एक फील दे रहा है ना डेकोर के साथ जा रहा है। देन ऑन दिस वॉल हम लोगों ने सबसे पहले ये ब्रिक वॉल वॉलपेपर लगवाया। आई थिंक जो हम कैफे का फील देना चाह रहे थे वो इस वॉलपेपर से बहुत अच्छे से आया है, मतलब इस वॉलपेपर के बिना ये एक लुक इनकम्प्लीट होता। एंड ओवर दैट वी हैव दिस ह्यूज वॉल क्लॉक, ये आई थिंक 100 सेंटीमीटर्स में है इसका जो डायमीटर है, बिकॉज सो मेनी पीपल वर आस्किंग अबाउट द साइज। एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस वी हैव दिस ह्यूज क्रॉकरी कैबिनेट। मुझे एक ऐसी कैबिनेट चाहिए थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो कि मैं बहुत सारी अपनी क्रॉकरी स्टोर कर पाऊँ, और बहुत ही जल्दी क्रॉकरी को हॉल आने वाला है बिकॉज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है अभी क्रॉकरी की। एंड ऑन दिस कैबिनेट वी हैव दिस ब्यूटीफुल बोहेमियन येलो कलर्ड रनर। ओवर दैट वी हैव अ प्लांट हियर अगेन इन द जूट बास्केट। एंड देन यहाँ पे हमारे एक 4 जार्स हैं सिरामिक के, ये अचार का जार है, ये चटनी का है, इसमें ये मिर्च और ये नमक के लिए, ये बहुत ही प्यारे जार्स हैं। Then here we have this cart in which we have the chocolate sauce and the mayonnaise, whatever you like, you can place it here. So I have placed my tissue papers also. Over here we have this vintage tripod lamp. ये एक look अच्छा दे रहा है इस area में because ये जो पूरा एक look है smart सा cafe kind of look है उस vibe के साथ ये lamp जा रहा था, so we placed this lamp over here. अब ट्यूबलाइट जला के दिखाते हैं कि इस dining area का look कैसा आता है। इस डाइनिंग एरिया के जस्ट यहाँ पे हमारा स्टोर है एंड जितना भी मेरा मेस है वो इस स्टोर में है, दैट्स व्हाई माय हाउस इज सो क्लीन। लेट मी शो यू। सो हमने ये एक बहुत बड़ी अलमीरा ली है, देन एक और अलमीरा है हमारी, हमने यहाँ पे रैक रखा जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है यहाँ रखने के लिए। देन वी हैव अनदर स्मॉल अलमीरा हियर, ओवर दैट वी हैव प्लेस दैट प्रिंटर। जो भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है नई नई वीडियोज का वो सारा कुछ मैं यहीं पे प्लेस करती हूँ। सो हियर वी हैव आवर किचन। सो बहुत बड़ी किचन नहीं है बट इट्स सफिशिएंट फॉर 2 पीपल। आई लाइक कॉफी सो वी हैव कॉफी मग्स हियर, वी हैव अ हैंगिंग हियर, देन देयर इज अनदर हैंगिंग, मॉम्स कैफे ओपन 24 आवर्स। देन आवर किचन रूल्स, थोड़ा एक स्मार्ट सा लुक दे दिया है हम लोगों ने इसको। देन यहाँ पे हम लोगों के ऐसे शेल्व्स हैं, शेल्व्स में हमने प्लांट्स रखे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सिरामिक्स को रखा है और सारा ही ब्लू कलर में लेने की कोशिश की है। एंड ओवर हियर वी हैव अ रेफ्रिजरेटर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैग्नेट्स, एंड दिस इज अ पैड काइंड ऑफ वेयर वी कैन राइट एनीथिंग लाइक दूध कितना आया, क्या किराने का सामान खत्म हो गया है। हियर हम लोगों ने फ्रेम्स लगाए हैं, ये भी बहुत कुकिंग से रिलेटेड है तो मुझे लगा किचन की वाइब के साथ जाएंगे तो हम लोगों ने ये फ्रेम्स यहाँ लगाए। ये 4 का सेट था, 3 हमने यहाँ पे लगाए हैं। दोनों ही साइड हमारे स्लैब्स हैं, यू हैव अ सिंक हियर, यहाँ हमारा वाटर प्यूरिफायर है। देन जो 4th फ्रेम था वो हमने यहाँ पे लगाया है। ये जो गेट है ये हमारा अगेन बालकनी में ओपन होता है। देन यहाँ पे माइक्रोवेव की जगह भी दी है और मेरी पैंट्री भी यहीं पे है। वी हैव अ चिमनी, अगेन गैस है यहाँ पे, हमारा गैस स्टोव है। वी हैव दिस प्रिटी प्लांट ओवर हियर, देन वी हैव दिस फ्रिज कवर, यू कैन से रेफ्रिजरेटर कवर, इसकी पॉकेट्स भी हैं यहाँ पे, लाइक पोनास एंड टिश्यू पेपर्स वगैरह हम लोग डाल देते हैं। देन किचन से इधर आते ही हमारा ये छोटा सा पैसेज वे है, तो पैसेज वे में हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गैलरी वॉल बनाई है, अगेन इसको येलो पेंट किया है और गैलरी वॉल बनाई है। तो ये सारी ही पिक्चर्स जो हैं ये हमारी केरला के एक ट्रिप की हैं, एंड द गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स लगती हैं, आप खुद देखो ये बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स लगती हैं। तो दीज ऑल द फोटोग्राफ्स जो हैं दीज आर क्लिक बाय आर ड्राइवर रॉय। तो अगर रॉय यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली थैंक्स अ लॉट फॉर सच नाइस क्लिक्स। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक लाइट लगाई है, बहुत ही सुंदर सी हैंगिंग लाइट है।
देन इस डोर पे हम लोगों ने ये आर्टिफिशियल जो क्रीपर लीव्स हैं ये हम लोगों ने इस डोर पे लगाई हैं। तो दिस इज आवर सेकंड बेडरूम एंड ये मैंने थोड़ा एक ट्रेडिशनल थीम दिया है इस रूम को। दिस इज अ ट्रेडिशनल राजस्थानी बेडरूम, वी कॉल इट लाइक दैट। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस वॉल को इस शेड में पेंट कराया बिकॉज हम लोग जो विलेज की दीवारें होती हैं ना घरों की, उसका लुक देना चाहते थे, जो ब्रिक काइंड ऑफ वॉल होती हैं और उसके ऊपर वो राइस का जो पेस्ट है उससे ये कुछ वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने स्टेंसिल यूज़ करके सेम लुक देने की कोशिश की है। हमारा दीवान कम बेड है, ये जो है ये पूरा का पूरा डबल बेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गेस्ट ज़्यादा आए तो हम इसको ओपन करके डबल बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस रूम का जो थीम है वो हमने रखा था ग्रीन, रेड एंड येलो, बिकॉज हमारे पास कर्टन्स ऑलरेडी थे ग्रीन शेड में। तो यहाँ पे ग्रीन बेडशीट है, देन वी हैव ग्रीन बोल्स्टर कवर्स, देन दीज मिरर वर्क वाले कुशन कवर्स येलो एंड रेड में। ऑन बोथ द साइड्स हम लोगों ने ये जो स्टैंड काइंड ऑफ इट जिसमें ट्रेज हैं, गोल्डन ट्रेज हैं, ये हमने रखा। इसमें ऊपर हमने बैम्बू का बहुत ही प्यारा प्लांट रखा हुआ है, मेरी फ्रेंड्स लाई थी ये। नीचे एक और प्लांट है और एक लैम्प है। देन ऑन दिस साइड ऑल्सो वी हैव द सेम स्टैंड विद अगेन द सेम प्लांट एंड देन अ बुद्धा एंड अनदर डेकोर पीस। देन वी हैव आवर वार्डरोब हियर, देन दीज लाइट्स। इन ये जो लाइट्स हैं इनसे यहाँ का जो लुक है इतना स्मार्ट लगता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स आई थिंक इन आर हाउस, आई रियली लाइक दीज। थोड़ी कॉस्टली थी बट काफ़ी अच्छी लुक देती हैं ये। देन यहाँ पे वी हैव दीज टू डेकोर पीसेस, ये लिपन वर्क है, ये गुजरात में जो ट्राइब्स हैं वो करते हैं इस वर्क को। तो ये मैंने ऑनलाइन ही लिया, इस पर मिरर्स लगे हुए हैं, ये जो कलर्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये। और ये मैंने दोनों ही साइड, दोनों ही वॉल्स पे लगाए हैं, उस साइड भी लगाया है और इस साइड भी। सो ये कूलर है, ये हमने रिसेंटली लिया है। अगर ये यहाँ पे किसी को रेस्ट करना हो तो उसके लिए, या इसको इवन हम ड्राइंग रूम में भी ले जा सकते हैं जब गेस्ट्स वगैरह आए। और हियर यहाँ पे ये एक और डेकोर पीस है, ये मैंने कभी खुद बनाया था। इट ओपन्स आल्सो, आई मीन यहाँ पे आप कुछ ऐसे फोटो वोटो लगा सकते हैं। देन यहाँ पे ये एक वुडन फोल्डेबल टेबल है जिसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा ये वेस है, ये हम लोगों ने बंजारा मार्केट से लिया। देन यहाँ पे ये तीन मटकीज हैं ट्रेडिशनल थीम में बिल्कुल, ये मेरी मामी ने डेकोरेट की थी तो ये हम लोगों ने यहाँ प्लेस की हुई है। देन ये ट्रंक है, ये ट्रंक मेरी नानी ने मेरी मदर को दिया, मेरी मदर ने मुझे और मैंने इसको ऐसे डेकोरेट किया। इसका अगर आपको देखना हो कैसे किया या ये पूरा रूम कैसे डेकोरेट हुआ है, इसकी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हमने ये बुधा रखा है इस मैट के ऊपर, बीड मैट के ऊपर, और यहाँ पे एक और कुशन थोड़ा एक इस एरिया को थोड़ा लुक देने के लिए। देन यहाँ पे ये एलिफेंट वाली बहुत ही प्यारी वॉल हैंगिंग है, काफ़ी पुरानी है ये, हम लोगों ने बहुत पहले दिल्ली हाट से ली थी। एंड यहाँ पे हमारा ये कृष्ण जी वाला एक की होल्डर काइंड ऑफ है, बस डेकोर के लिए है बेसिकली ये। देन ओवर हियर वी हैव दिस बिग राउंड मैट जो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देता है, बिल्कुल थीम के साथ जा रहा था। नाउ आई थिंक यू शुड सी द लुक विदाउट द ट्यूब लाइट। अब इधर हमारी बालकनी है और इस बालकनी में वो सब आपको मिलेगा जो एक नॉर्मल घर में होता है, झाड़ू पोछा तो ये वो बालकनी है जहाँ पे हम वो सब रखते हैं। सो ये जो बालकनी है यहाँ पे ये एक इस टाइप का रैक है, ये मेहनत है मेरे ब्रदर इन लॉ की। ये बालकनी जो थी एक मेस थी, उन्होंने आके इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों को जैसे इजी हो गया या हार्पिक हो गया वो सब रखा हुआ है। मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पेंट करवाना पड़ता है, जो पेंट बच जाता है या ब्रशेज हैं कुछ भी उसका रिलेटेड जो सामान है वो सारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, जहाँ पे हम डस्टर पोचा वगैरह ये सब रखते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। ओके, सो हर बेडरूम के साथ इन्होंने वॉशरूम प्रोवाइड किया है, दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे वी हैव अ वॉशरूम, देन अगेन द पैसेज वे, एंड दिस इज अ लास्ट मास्टर बेडरूम। सो ये मास्टर बेडरूम कम होम ऑफिस एरिया है, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मैं बैठ के सारी एडिटिंग करती हूँ। ये हमारी एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी टेबल है, ये हमने अर्बन लैडर से ली, ऑनलाइन ली थी। देन वी हैव दिस चेयर, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इस रूम का जो थीम है वो वाइट एंड ब्लू है, तो वी ट्राइड कि थोड़ा थोड़ा हमारे फर्नीचर में भी कुछ वाइट हो। देन यहाँ पे हमारा टेबल लैम्प है, टच करके ये ऑन हो जाता है और ये चार्जेबल है। दिस ये हमारा पिन कम वाइट बोर्ड है,
यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन है, ये मेटल वाला मेशवर्क है, उसके ऊपर ये जो भी इंस्पायरिंग पिक्चर्स हैं जो मुझे प्रमोट करती हैं हेल्दी खाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो मैंने यहाँ लगाई हुई है। देन ये दो शेल्व्स हैं, यहाँ पे एक टेबल कैलेंडर है, एक छोटी सी बड़ी अच्छी क्लॉक है, देन बुक्स है, एक मनी प्लांट है, यहाँ पे हमारे जो गुरु जी हैं उनकी पिक्चर है, देन यहाँ पे एक और प्लांट है। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी काम इंस्पायरिंग एरिया। जो भी मुझे चीज़ें पसंद हैं आई ट्राइड कि मैं उनको यहाँ पे रखूँ। देन हियर वी हैव आवर टीवी। सब पूछते हैं कि आपने टीवी कहाँ रखा, टीवी कहाँ रखा, ये है हमारा टीवी। हमारे बेडरूम में हम लोगों ने अपना टेलीविजन लगाया है। दिस इज इन 55 इंचेस। उसके नीचे हम लोगों ने ये बड़े सुंदर से व्हाइट और गोल्डन में प्लांटर्स रखे हैं जिसमें हमारे बड़े अच्छे प्लांट्स हैं। देन यहाँ पे हमारी ये वार्डरोब है, अगेन द कलर थीम इज ब्लू एंड व्हाइट, तो हम लोगों ने जो सनमाइका चूज किया इस वार्डरोब के लिए वो व्हाइट कलर का किया। देन यहाँ पे हमारे ब्लू शेड में कर्टन्स हैं। एंड बिकॉज हम लोगों को ड्रेसिंग एरिया भी यहीं बनाना था, अपने ही रूम में बनाना था, और ऐसा कोई इलेबोरेट हमें ड्रेसिंग एरिया की जरूरत नहीं थी बिकॉज आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया बनाया। हम लोगों ने शीशा लिया अलग से। ये जो शेल्व्स हैं ये हम लोगों ने अमेजोन से लिए। ये जो है ये बेड साइड जो टेबल होती है वो है, ये बेसिकली जो बेड साइड होती है इस बेड के साथ की थी, तो हम लोगों ने ये एक ही बनवाई और इसको हमने ड्रेसिंग एरिया में यूज़ किया इंस्टेड विद द बेड, बिकॉज बेड के साथ में इतना स्पेस नहीं था। तो इसमें दो शेल्व्स हैं, इसके ऊपर मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है अपनी सारी क्रीम्स वगैरह रखने के लिए। On this side we have our double bed. ये भी हम लोगों ने specially बनवाया because हमें white color का चाहिए था और थोड़ा simple चाहिए था। इसके ऊपर दोनों ही sides हम लोगों ने ये white color की जो lights हैं ये install करवाई हैं। Again इनमें ये जो Edison के warm white light वाले जो bulbs हैं वो हमने लगाए हैं। इसके दोनों ही साइड हम लोगों ने ये वाली साइड टेबल्स यूज़ किए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो बहुत हमें बड़ी टेबल्स नहीं चाहिए थी, तो हमने छोटी छोटी टेबल्स ली अमेजोन से। देन यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी एक बेडशीट है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो थीम है रूम का उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारा होम फर्निशिंग का स्टफ लें। देन ये हमने यहाँ पे इस वॉल को एक स्मार्ट लुक देने के लिए यहाँ वॉलपेपर लगवाया। जस्ट एक वॉलपेपर से बहुत कंप्लीट लुक है, कोई हमें डेकोर पीस नहीं लगवाना पड़ा। तो आई थिंक वॉलपेपर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चूज द राइट वॉलपेपर। बेडरूम्स में ट्राई करें कि थोड़े सूदिंग कलर्स के वॉलपेपर लगाएं बिकॉज आप लोगों को वहाँ सोना होता है तो इट शुड सूद यू। ऑन दिस साइड वी हैव आवर वॉशरूम विद दिस बेडरूम। We have our balcony as well, जो हमारी बालकनी ड्राइंग रूम किचन से कॉन्टिन्यू हो रही है वो इधर तक आ रही है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, तो यहाँ पे हमारी ये बालकनी कॉन्टिन्यू हो रही है। Now you should see the look of this room without the tube light as well. And now the best part of this house, that is our balcony. Come. So this is our balcony. I really love it. See the view. And no, it's not Mumbai. Everyone asks where I live. It's a Rohtak city which is near Delhi. It's in Haryana. And we live on 9th floor. That's where this beautiful view. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने as you can see पूरे balcony में grass mat लगवाया है. And such a pretty thing. It's must for your balcony if you want to decorate it. And people ask me ki is it difficult to maintain this grass mat? No, it's not difficult. हम लोगों को I think more than it's like six seven months with this grass हमें कोई problem नहीं आई है, और आजकल तो आंधी वाला मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही हैं, still we are able to maintain it. हम लोगों ने यहाँ पर ये hanging जो plants हैं ये लगाए हैं, ऊपर हमने हुक्स लगाए हैं, और ये एक सूत का कुछ धागा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जो, तो उसका लूप्स वगैरह करके हम लोगों ने ये जो हमारे प्लांटर्स हैं ये यहाँ लगाए हैं। अगेन ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने लगाए हैं, ये जो सारा सिस्टम है ये ब्रदर इन लॉ ने किया है। देन यहाँ पे ये हमारे बहुत ही प्यारे रेलिंग वाले प्लांटर्स हैं अलग अलग शेड्स में, तो हम लोगों ने ये बहुत सारे प्लांटर्स लगाए हैं यहाँ पे। ये सोलर लाइट है तो इसको हमने ऐसे कॉर्नर्स पे इस एरिया में लगाया हुआ है, बहुत ही स्मार्ट सी बड़ी प्यारी लगती है ये।
ये हम लोगों ने जो लाइट्स है थोड़ा गार्डन लुक वाली लाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे हैंग की हैं। हम लोगों ने ट्राई किया कि बल्ब को कवर करें इस टाइप की लाइट्स को, ताकि आंधी वगैरह कुछ भी आए तो हमारा जो बल्ब है वो ब्रेक ना हो। और यहाँ पे हमारा जो थोड़ा येलो पेंट था वो बचा हुआ था, तो हमने थोड़े इस एरिया में हमारा जो येलो पेंट है ये करवाया, इसी एरिया में करवाया, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ड्राइंग रूम। देन इस एरिया में ये जो एक वुडन कुछ हम लोगों ने आई थिंक टेबल वगैरह क्या मंगवाया था अमेजोन से, उसको कवरिंग के लिए ये एक आया था वुडन का, तो उसमें से हम लोगों ने ये निकाल के एक विंडो काइंड ऑफ लुक देने के लिए इस पर रेड पेंट कर दिया और इसको यहाँ हैंग किया है, जिसपे बहुत ही सारी मैंने आर्टिफिशियल लीव्स लगाई हुई हैं, मनी प्लांट की लीव्स लगाई हुई हैं। देन यहाँ पे हमारी ये बहुत ही प्रिटी सी बर्ड्स के डेकोर पीस है। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक स्टैंड रखा है जिसमें हमारे डिफरेंट प्लांट्स हैं। इन दिस एरिया हम लोगों ने अपना जो सिलेंडर वाला एरिया है ये है, और इसके ऊपर मैंने जो हमारा ग्रास मैट है वो बच गया था वो हमने लगवाया यहाँ पे। ओके कम क्लोजर, क्योंकि यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिनिएचर लैंडस्केप बनाने की कोशिश की है। वी हैव अ माउंटेन ओवर हियर, देन वी हैव दीज ट्रीज, देन स्मॉल हट्स, देन इट्स लाइक अ रिवर एंड टू ब्रिजेस। तो ये एक छोटा सा मिनिएचर लैंडस्केप बनाया। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि यहाँ पे इतना तूफान, इतनी आंधी आती है, स्टिल इट्स सर्वाइविंग ऑल ऑफ दैट। देन कम हियर, वी हैव दिस एसी आउटर यूनिट ओवर हियर ऑफ आवर बेडरूम। ओके अब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हम लोगों ने इसलिए प्लांट्स वगैरह यहाँ कोई भी प्लांटर इसलिए नहीं हैंग किया, बिकॉज ये हमारा क्लोथ ड्राइंग एरिया है। देन यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने एक कवर लगाया हुआ है, उसके ऊपर एक और प्लांट है। दिस होम टूर एंड्स हियर। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आप लोगों को कैसा लगा। एंड नाउ द गिव अवे, सो देर विल बी 3 प्राइजेज एंड देर विल बी द अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। एंड टू विन दैट यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, यू हैव टू लीव अ नाइस कॉमेंट अंडर दिस वीडियो, यू शुड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल, एंड यू हैव टू टैग एनी 5 ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन द इंस्टाग्राम पोस्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड आई विल बी कमिंग विद सो मेनी मोर मेकओवर एंड डेकोर वीडियोज, सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल please subscribe this channel and hit the bell notification button so that you get updated whenever I upload a new video, and I'll see you next time. Till then, bye.